हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, ये कहावत यूपी के बुलंदशहर में दिव्यांग रोहित ने पैरों से परीक्षा लिखकर सच कर दिखाई है। रोहित ने आज पैरों की मदद से हिंदी विषय की परीक्षा लिख डाली। हालांकि केंद्र व्यवस्थापक की ओर से रोहित को परीक्षा के लिए कुछ अतिरिक्त वक्त जरूर दिया गया। जहांगीराबाद के शिव कुमार अग्रवाल जनता इंटर कॉलेज में कक्षा 10 की परीक्षा में पैरों की उंगलियों से लिख रहे जिस परीक्षार्थी को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम रोहित कुमार है। दरअसल रोहित के दोनों हाथ बचपन से ही खराब है, इसीलिए रोहित पैरों की उंगलियों से रिटर्न वर्क करता है। रोहित का यह हौसला न सिर्फ कॉलेज में चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि नगर में भी रोहित की खासा प्रशंसा हो रही है। कहाँ के रहने वाले हो? आज आप कौन सी परीक्षा दी आपने? कहाँ से परीक्षा दी आपने? आपके हाथ अपाई जाए, कैसे परीक्षा दी? पैरों से लिख के दी। क्या की परीक्षा दी? हिंदी की। आज केंद्र पर हाई स्कूल हिंदी और प्रारंभिक हिंदी की परीक्षा सुबह 8 बजे शुरू हुई, जिसमें विद्यालय में कुल पंजीकृत परीक्षार्थी 653, जिसमें 623 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई, बच्चे बहुत खुश थे और विद्यालय की परीक्षा संबंधी व्यवस्थाएँ पूरी तरह चुस्त दुरुस्त हैं। तमाम CCTV कैमरे के अंतर्गत परीक्षा हो रही है और सभी शिक्षक बड़ी ईमानदारी के साथ ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। कोई समस्या नहीं, केवल एक परीक्षार्थी ऐसा परीक्षा केंद्र पर आया है जो जिसके दोनों हाथ बेकार हैं और पैर से परीक्षा दे रहा है। उस परीक्षार्थी को अतिरिक्त समय दिया गया है जो बोर्ड का नियम है, अभी वो परीक्षा दे रहा है। केंद्र प्रभारी CP अग्रवाल ने बताया कि रोहित के लिए सभी सुविधाएं दी जा रही है ताकि उसको परीक्षा देने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज। Time 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।